बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दीपक ठाकुर और रोमिल चौधरी के बीच की नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इनकी नजदीकियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि कभी दीपक रोमिल को किस करते हुए नजर आते हैं और आज तो यहां तक बात पहुंच गई है कि वो दोनों एक ही बेड पर लेटे हुए हैं और एक दूसरे से लिपटा चिपटी कर रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि टास्क खत्म होने के बाद सभी सदस्य घर के अंदर आ जाते हैं और सभी आराम कर रहे होते हैं, तो इसी सिचुएशन में रोमिल और दीपक एक ही बेड पर लेटे होते हैं तो रोमिल दीपक से कहते हैं कि यार सोमी और सबा को नया 3 हफ्ते हो गए, इस पर कैप्टनसी उन्हें दे दें। तो दीपक कहते हैं ना भाई ये मत कहियो तू, तो उन्हें मनाने के लिए रोमिल उन्हें अपनी बाहों में भर लेते हैं और उन्हें पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और उन्हें फिर समझाते हैं कोई बात नहीं यार बना देते हैं, वैसे भी अभी 3 हफ्तों से ट्राई कर रही है तो एक मौका तो देना ही चाहिए ना। तो दीपक फिर बाद में अपना पॉइंट रखते हुए कहते हैं चलो कोई नहीं कम से कम दावेदार तो बने, तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि उन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, वो बस दोस्तों के हिसाब से एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं और मस्ती मजाक में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। लेकिन मजाक में बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।